हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक विनर्स ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके चैनल अभिषेक विनर्स ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं बनारस के फेमस मंदिर जो है दुर्गा कुंड, जहाँ माँ कुष्मांडा का वास है, माँ दुर्गा माता का वास है। हम लोग उस फेमस मंदिर के पास खड़े हैं और इस समय सालाना जो वार्षिक श्रृंगार होता है, हरियाली श्रृंगार होता है, जो 30 हरियाली श्रृंगार होता है, वो इस समय देख सकते हैं कि पीछे इस समय चालू हो गया 31 तारीख से लेके और 9 सितंबर तक ये आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है या फिर आपको पता नहीं है, तो कृपया अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको पता चलता है तो आके यहाँ पर माँ का हरियाली दर्शन करें। और भव्य दर्शन हो रहा है यहाँ और पूरा 9 से 10 दिन यहाँ कंटिन्यू प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें से कि आने वाले हैं मनोज तिवारी 4 तारीख को। तो गाइस, अगर उस दिन आ सकते हो तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको उनकी गायकी जो है वो आपको सुनने को जरूर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो जाके अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और यहाँ पे आता हूँ बेल आइकन उसको जरूर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उस वीडियो को डालूँ तो आप लोग सीधे देख सकें। फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अंदर और अंदर की पूरा खूबसूरत दृश्य को आपको दिखाते हैं और क्या क्या सजा हुआ है, क्या प्रोग्राम चला। वैसे भी अभी प्रेजेंट टाइम में अभी कोई ना कोई अभी प्रोग्राम चल रहा है अंदर, तो हम लोग चलते हैं उसको देखते हैं और अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं अंदर और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं हम लोग अंदर। आने के बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो पूरा हरियाली आपको दिखने वाला है। अच्छा, और पिछले वीडियो में मेरा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था, उसी प्रकार इस बार भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा सजाया गया है यहाँ पर, क्योंकि बीच में देख सकते हैं फाउंटेन वाउंटेन भी लगा हुआ है और माँ का ये जो दरबार है, जो सेकेंड गेट है, ये भी बहुत अच्छा सजाया हुआ है।
फ्रेंड्स कैसा लगा आपको अंदर का खूबसूरत दृश्य देख के, जो सजावट हुआ है कितना भव्य सजावट हुआ है और पूरा का पूरा अगल बगल पूरा कुंड भी सजाया गया है। तो ये सब चीज़ तो वीडियो में जो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन जब आप लाइव आके यहाँ पे देखते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी 9 से 10 दिन रहने वाला है, तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो सोच लीजिए कि माता रानी सीधे आप तक पहुँचा रही है मेरी वीडियो, और आप सीधे आके यहाँ पे दर्शन करिए वार्षिक श्रृंगार माँ दुर्गा रानी का। तो गाइस 4 तारीख को आ रहे मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी का मैं यहाँ वीडियो आने वाला है। अगर आप लोग आ सकते हो तो आइएगा, उस दिन नहीं आ सकते मेरे वीडियो के माध्यम से उनकी गायकी आप लोग जरूर सुनिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट और हर हर महादेव।